वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम स्टार लाइफ। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में जो इन दिनों खूब खबरों में बने हुए हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्टर रणबीर कपूर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से रणबीर और आलिया एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप को लेकर खूब खबरों में बने हुए हैं। उनके फैंस की नजरें लगातार इसी बात पर बनी रहती हैं कि रणबीर और आलिया आखिर क्या कर रही हैं। तो वहीं बता दें कि रणबीर और आलिया को अक्सर ही एक दूसरे के साथ देखा जाता है। इतना ही नहीं, अब तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ पार्टीज में हाथों में हाथ डाले भी देखा जाता है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों जल्द ही शादी भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आलिया कपूर के लिए रणबीर के, आलिया भट्ट के लिए रणबीर के घर वालों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। जहां रणबीर के घर वाले आलिया के लिए गिफ्ट भेजते हैं, तो वहीं हाल ही में आलिया भट्ट की बहन यानी पूजा भट्ट ने उन लोगों को लताड़ लगाई है जो इन दोनों के बारे में गॉसिप्स करते हैं। पूजा भट्ट का कहना है कि आलिया की ये पर्सनल लाइफ है, वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपने फैसले ले सकती है। अगर वो देश दुनिया को एंटरटेन कर रही हैं तो उनका ये पूरा हक बनता है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से इंजॉय करें और दूसरों को उनकी ज़िंदगी में कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। पूजा ने इन्हीं सब बातों के साथ उन लोगों को ये गहरी लताड़ लगाई है। तो वो ये भी कहती हैं कि वो और उनके पापा कभी भी आलिया की ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करते, तो वो दूसरे लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें दोस्तों, लगातार ही आलिया और रणबीर को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि साल के अंत तक ये दोनों भी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। वेल, अब ये तो समय ही बताएगा कि कितनी जल्दी शादी करते हैं रणबीर और आलिया। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको ऐसी ही कुछ खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर रणबीर कपूर को लेकर पिछले काफी दिनों से खबर सामने आई है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें इन दोनों के रिश्ते के बारे में पहले से ही भनक पड़ चुकी थी। जी हां, आपको बता दें, हाल ही में एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने अपने रिश्ते पर मोहर लगा दी है। उन्होंने अपना रिश्ता कबूल करते हुए कहा कि अभी नया नया है। वैसे भले ही रणबीर ने अपने रिश्ते की प्रॉपर अनाउंसमेंट ना की हो, लेकिन उनके रिश्ते के बारे में उनके एक खास दोस्त को पहले से ही पता चल चुका था। और वो खास दोस्त कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण है। जी हां, माने तो रणबीर और आलिया के रिश्ते की खबर दीपिका पादुकोण को पहले से ही हो गई थी। खबरों के मुताबिक रणबीर ने आलिया के साथ अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट करने से पहले दीपिका पादुकोण को इस बारे में बता दिया था। जानकारी के लिए बता दें, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण आज भी काफी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं। वहीं रणबीर ने दीपिका को अपने नए रिश्ते के बारे में बताया है, और दीपिका को जब इस खबर का पता चला तो वो भी रणबीर और आलिया के लिए काफी खुश थी। वेल, आपको बता दें, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऐसा रिश्ता काफी कम ही देखने को मिलता है। एक्टर रणबीर कपूर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी फिल्म इंडस्ट्री के नए कपल हैं। दोनों ही अब अक्सर साथ में नजर आते हैं। तो वहीं अब तो दोनों को पार्टीज में भी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले देखा जाता है। तो वहीं पिछले कुछ समय से लगातार ही ये भी कहा जा रहा था कि आलिया और रणबीर एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। तो वहीं हाल ही में बता दें कि आलिया की बहन पूजा भट्ट ने उनके रिश्तों को लेकर लताड़ लगा दी है। दरअसल हाल ही में पूजा को एक इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया। तो इस दौरान जब उनसे पूछा गया आलिया की डेटिंग के बारे में, तो वहीं पूजा ने कहा आलिया काफी बेहतर भट्ट है। साथ ही कहा कि उन्हें इस तरह की खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा कहती है कि उन्हें लगता है कि यह आलिया का वक्त है, हमें उस यंग लड़की को उसकी लाइफ एंजॉय करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि वह दुनिया और भारत को एंटरटेन करने का अपना काम बखूबी कर रही है। ऐसे में वह अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही है या क्या करती है, यह उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अपनी जिंदगी को कैसे लीड करती है आलिया, यह उसकी प्रॉब्लम है। इस तरह से पूजा भट्ट अपनी बहन आलिया की तरफ तारीफ करती दिखाई दी, और उनके रिश्तों पर बात करने वालों पर उन्होंने अच्छी खासी लताड़ लगाई है।
बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बॉलीवुड की चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अफेयर को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं फैंस भी इनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों साथ में अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में इन दिनों काफी ज्यादा बिजी हैं। दोनों के सेट पर साथ आने जाने की फोटोज भी हाल ही में वायरल हुई थी और अब सामने आई है इन दोनों से जुड़ी एक और खास खबर। जी हां, हाल ही में शूटिंग के बाद आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के परिवार के साथ डिनर किया है। इसके बाद इनकी फैमिली डिनर आउटिंग की फोटो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल भी हो रही है। आलिया का कपूर परिवार से इतना मिलना जुलना देखने के बाद तो यही लग रहा है कि आलिया भी जल्दी कपूर का परिवार की बहू बनने वाली है। वहीं अगर खबरों की माने तो रणबीर ने आलिया को बीते साल यानी कि नए साल पर प्रपोज भी किया था। इस दौरान ये कपल बुल्गारिया में अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के लिए डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ गए हुए थे। इसके बाद बुल्गारिया में रणबीर कपूर की मॉम नीतू सिंह भी पहुंची थी और उन्होंने आलिया के साथ फोटो भी क्लिक करवाई थी। यहां तक कि आलिया भट्ट ने अपना जन्मदिन रणबीर और उनकी मां नीतू के साथ बुल्गारिया में ही मनाया था। एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में बनी रहती है, तो साथ ही बता दें उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी एक्टिंग को हमेशा ही खूब सराहा गया है। तो वहीं बता दें हाल ही में एक बार फिर से खबरों का हिस्सा बन रही हैं आलिया, और इस बात जिस बात को लेकर खबरों में है वो है अमिताभ बच्चन को, जो उनके पिता की उम्र की है। आलिया उनको उनके नाम से बुलाती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बता दें हाल ही में आलिया ने कहा कि हाँ वो उनको एबी के नाम से बुलाती है और ये उनके लिए उनके रिस्पेक्ट है, यानी एबी यानी अमिताभ बच्चन। तो साथ ही वो उनकी तारीफ भी करती है। वो कहती है उन्होंने उनसे काफी कुछ सीखा है। लेकिन बता दे दोस्तों, इस बीच आलिया भी एक गलती कर जाती है जिसे बिग बी पकड़ लेती है। दरअसल आलिया कर बैठती है स्पेलिंग मिस्टेक और इस गलती के लिए वो माफी मांगती है जब अमिताभ कराते हैं उनको उनकी गलती का एहसास। ये तो सभी जानते हैं कि फिल्म हिट होने के बाद एक्ट्रेसेस के भाव बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ अपनी फीस भी वो एक्ट्रेसेस बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर बात करें बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस और सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस आलिया भट्ट की, तो बता दें आलिया भट्ट की फिल्म राजी हाल ही में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट रही। लेकिन इस बार आलिया ने अपनी फिल्म हिट होने के बाद अपनी फीस नहीं बढ़ाई और इसकी वजह है दीपिका पादुकोण। जी हां, दरअसल दीपिका ने पद्मावत की सक्सेस के बाद अपनी फीस को बढ़ा दिया है। उन्हें फिल्म पद्मावत के लिए भी अपने को स्टार से ज्यादा फीस मिली थी। इस बात का खुलासा दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। लेकिन इन दोनों दीपिका के पास बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आने के बावजूद पिछली फिल्म के बराबर फीस को ऑफर नहीं आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक करण जौहर का बैनर भी दीपिका को पद्मावत के बराबर की फीस देने को राजी नहीं है। ऐसे में फीस की वजह उनके हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स जाने की पूरी संभावना है। वहीं दीपिका के इस एक्सपीरियंस से आलिया भट्ट पूरी तरह से अलर्ट है और इसी वजह से आलिया ने अपनी फीस में कोई बदलाव नहीं किया। वो पहले बेहतरीन काम करना चाहती है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि आलिया का ये फैसला उनके करियर के लिए काफी अच्छा साबित होगा। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बारे में, जहाँ ये दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर लगातार ही बने हुए हैं खबरों में। कहा गया है कि दोनों इस साल के अंत तक शादी कर सकते हैं। अक्सर ही रणबीर और आलिया को एक दूसरे के साथ देखा जाता है डेटिंग करते हुए। तो वहीं जैसा कि हम बता चुके हैं कि आलिया की बहन पूजा उन लोगों पर लताड़ लगा चुकी हैं, तो दोनों के बारे में गॉसिप्स करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बता दे दोस्तों कि आलिया भट्ट ने एक बार इस बात का खुलासा किया था कि रणबीर कपूर उनके क्रश रह चुके हैं। अब अपने क्रश के साथ ही शादी करना तो मानो आलिया के लिए सपना पूरा होने जैसी बात है। जी हाँ दोस्तों, एक समय पर आलिया ने खुद ही इस बात का खुलासा किया था कि जब वो स्कूल में जाया करती थी उस समय पर वो रणबीर को बेहद पसंद किया करती थी। अब ये तो उनके लिए गोल्डन चांस है कि उन्होंने फिल्म ब्रह्मास्त्र में रणबीर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक साथ नजर आने वाले हैं रणबीर और आलिया। इन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शक बड़े पर्दे पर कितना पसंद करते हैं ये तो देखना वाकई मजेदार होने वाला है।
तो दोस्तों हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।